नमस्कार, मैं अनिल श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में सुनिवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIAI द्वारा विकसित एक सुनिवेश नवाचार के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के शिक्षकों द्वारा विकसित एक सुनिवेश नवाचार के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है थीम आधारित उपस्थिति। इस वीडियो में मैं आपको NCERT के हिंदी विषय के कक्षा 2 के पाठ क्रमांक 2.5, पाठ का नाम दोस्त की मदद के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर इस नवाचार को इस पाठ में प्रयोग करके किस प्रकार से हम कक्षा में क्रियान्वयन कर सकते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया की जो अवधि है वह 20 मिनट निर्धारित की गई है, जो कि एक शिक्षक एवं 30 विद्यार्थियों के अनुपात के अनुसार निर्धारित है। यदि आपकी कक्षा में 30 से कम या ज्यादा विद्यार्थी हैं, तो आप इसके समय को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इस नवाचार की शुरुआत करने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता क्या है। इस नवाचार की जो नवीनता है वह यह है कि विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति दर्ज कराते समय अनुक्रमांक या नाम के स्थान पर पाठ या कॉन्सेप्ट से जुड़े शब्द को बोलकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, जिससे कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रखने में आसानी होती है एवं उनका पुनः अध्ययन भी आसानी से हो जाता है। तो यह थी इस नवाचार की नवीनता। अब हम बात करेंगे आखिर, क्योंकि इसका नाम है थीम आधारित उपस्थिति, तो इसका थीम या कॉन्सेप्ट होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस पाठ की जो थीम है, कॉन्सेप्ट है, वह है संज्ञा शब्द। यानी हम इस पाठ में संज्ञा शब्द को लेकर यह नवाचार जो है वो क्रियान्वयन करेंगे। अब हम बात करते हैं आखिर कि इसमें शिक्षक को पूर्व प्रबंधन में क्या क्या करने की आवश्यकता है। तो शिक्षक को विशेष रूप से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है पूर्व प्रबंधन में, सिर्फ और सिर्फ इतना सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि विद्यार्थियों द्वारा इस पाठ या कॉन्सेप्ट का निर्माण कर लिया गया हो एवं इस पाठ को पढ़ चुके हों विद्यार्थी। इस चीज़ को सुनिश्चित करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, तभी इसका पुनराभ्यास हो सकता है एवं यह नवाचार भी प्रक्रिया में हो सकता है। तो हम बात करेंगे, कुछ उदाहरण से भी समझेंगे कि आखिर किस प्रकार से इस प्रक्रिया को हम कक्षा में पूरा करेंगे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि उपस्थिति के दौरान विद्यार्थियों का ध्यान बिल्कुल उपस्थिति में नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ या तो कक्षा में होमवर्क करते हैं बैठ के, या फिर बातें करते हैं, या फिर घर की बातों को याद करते हैं जो कल उनके साथ हुआ था। तो इस प्रकार से वह रुचिकर नहीं होता उनके लिए या मनोरंजक नहीं होता उपस्थिति के समय जो होता है। तो इस नवाचार को प्रयोग करके हम उपस्थिति के समय उनमें उत्सुकता एवं मनोरंजकता का भी संचार कर सकते हैं और इस पाठ के दौरान या इस प्रक्रिया के दौरान पाठ का पुनराभ्यास भी बड़े ही अच्छे रोचक तरीके से हो जाता है। तो चलिए इसको उदाहरण के साथ समझेंगे कि जैसे ही शिक्षक उपस्थिति लेते हैं, चाहे तो वह अनुक्रमांक के हिसाब से या फिर नाम के अनुसार भी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। इसमें उदाहरण में लेते हैं कि अनुक्रमांक के अनुसार हम उपस्थिति दर्ज करने जा रहे हैं। जैसे ही शिक्षक अनुक्रमांक 1 को बोलेगा, तो अनुक्रमांक 1 वाला विद्यार्थी अपने स्थान पर खड़े होकर पाठ से जुड़ा कोई भी शब्द संज्ञा शब्द बोलेगा और अपने स्थान पर बैठ जाएगा। जैसे अनुक्रमांक 1 का विद्यार्थी बोलता है लोमड़ी, और यह बोलता है कि यह एक संज्ञा शब्द है और अपने स्थान पर जाके वापस बैठ जाता है। तो शिक्षक उनके लिए एक ताली बजाते हैं, साथ ही साथ उनको प्रोत्साहन भी देते हैं एवं उनको धैर्यपूर्वक एवं मुस्कुराहट के साथ उत्तर देने के लिए भी बहुत बहुत प्रोत्साहन दे देते हैं। इसी प्रकार से अन्य विद्यार्थी अनुक्रमांक 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करते हैं एवं उनमें संज्ञा शब्द का भी चुनाव करने की क्षमता है वह भी विकसित होती है। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस नवाचार को अपनी अपनी कक्षा में पाठ के अनुसार जरूर इसको क्रियान्वयन करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं इस ZIIAI YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इस आपसे जुड़े सभी नवाचारी वीडियो आप तक जल्दी से जल्द पहुँच जाए। यदि यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको लाइक जरूर करें, ताकि आपसे जुड़े शिक्षक साथी भी इस वीडियो को देख पाएं एवं अपनी अपनी कक्षा में इसको क्रियान्वयन भी कर सकें। तो इसी के साथ मैं वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।